स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। महेशामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के रेती बंदर फास्ट रेलवे ब्रिज के नीचे एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि कल रात करीब 10 बजे के आसपास में रोड पर ये डेड बॉडी पड़ी थी। मौके पर काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन लोगों का कहना था कि ब्रिज के ऊपर से ये शख्स नीचे रोड पर गिरा है। वहीं कुछ लोग ये भी अनुमान लगाकर बता रहे हैं कि लोकल ट्रेन जो इस ब्रिज से गुजरती है, उसी ट्रेन से ये शख्स नीचे गिरा है रोड पर, क्योंकि इस शख्स के हाथ पैर और चेहरे पर काफ़ी चोट लगी थी। हाथ पैर की हड्डियां भी टूट चुकी थी। रोड पर डेड बॉडी पड़ी होने की वजह से यहां पर काफ़ी भीड़ हुई और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन गई। सूचना पाकर रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। रेलवे पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस व्यक्ति के चेहरे और सिर पैर पर काफ़ी चोट लगी थी। जीआरपी द्वारा उक्त व्यक्ति की डेड बॉडी की तलाशी ली गई, मगर इसके पास से रेलवे का कोई भी टिकट या पास नहीं बरामद हो पाया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये जो डेड बॉडी मिली है, अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये व्यक्ति जो है रेलवे की जो ब्रिज है फास्ट लाइन की, उस पर चढ़ा था, वहाँ से नीचे गिरा है, या फिर चलती हुई लोकल ट्रेन से नीचे गिरा रोड पर और इसकी मौत हो गई।